दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितनी पावरफुल है और आप लोगों के पास भी है। यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? आपने उनको कभी कुछ पे किया है? बहुत कम लोग होते हैं जो उनको कुछ पे करते हैं। तो वो कैसे कमा रहते हैं? वो कमा रहते हैं आपकी अटेंशन से। आपकी अटेंशन, जी हाँ, आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा कीमती है। और मजे की बात बताऊं, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आज आप लोगों को साउथ हॉल की सबसे फेमस जगह दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे हमारे सिख भाई होते हैं बहुत ज्यादा। और अक्सर आपने मूवीज में सुना होगा यूके में साउथ हॉल, यहाँ पे जो है ना जैस्मिन सैंडलर्स भी आई है और काफी सारे जो है ना म्यूजिशियन और आर्टिस्ट जो होते हैं पंजाबी, वो साउथ हॉल जरूर आते हैं। तो आज आपको मैं देसी माहौल दिखाऊंगा। तो वापस शुरू करते हैं। तो बात आती है अटेंशन की। अभी आपको साउथ हॉल दिखाएंगे, आप लोगों ने वेट करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको साउथ हॉल की वो स्ट्रीट नजर आएगी जो बिजी क्राउडेड अपना देसी माहौल लंदन में आपको नजर आएगा। तो मीनवाइल आपको बताते हैं कि अटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी अटेंशन, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आपकी अटेंशन मॉडिफाई कर देती है, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है रियलिटी को। आप जिस चीज के ऊपर अटेंशन पे करते हैं ना, वो कहते हैं ना पे अटेंशन का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं पे मनी, पे विजिट, पे अटेंशन। तो आप अटेंशन से पे कर रहे हैं। अटेंशन वाकई ही रियल चीज है, एक रियल चीज है अटेंशन, एक कमोडिटी है। अच्छा, और ऐसी कमोडिटी है जो खत्म हो सकती है। अटेंशन अगर आप प्रोवाइड किसी को पे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपकी अटेंशन खत्म हो जाती है। डेली आपके पास एक स्पेसिफिक कोटा होता है अटेंशन का, आपके पास अनलिमिटेड अटेंशन नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं ना कि आपके पास अनलिमिटेड अटेंशन है और सबको आपकी अटेंशन चाहिए। हम लोग ये कहते हैं ना कि लोग हमें कभी कभी सोच लेते हैं कि लोग हमें यूजलेस समझते हैं या जो है ना हम वर्थ नहीं करते। जो लोग समझते हैं कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं समझता, वगैरह 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 सौ चीजें, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये देखना है कि आपकी अटेंशन वैल्यूएबल है, हाईली वैल्यूएबल है। अगर आपकी फैमिली में या कोई आपका रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपकी अटेंशन नहीं ले रहा, अगर आपकी अटेंशन नहीं चाहता या आपको जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा लोग क्या कुछ करते हैं आपकी अटेंशन के लिए। देखो, मुझे आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये आपको नाइस वीडियो दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेरी बात नहीं सुनते। तो ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब है आपकी अटेंशन हाईली वैल्यूएबल है। और जो एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको मैंने रियलाइज किया है, आपकी अटेंशन को स्क्वीज किया जा रहा है। ये जो ऑनलाइन आप देखते हैं ना, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स और व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्या है? ये कमोडिटी है, ये करेंसी है, ये मॉडर्न करेंसी है जो कि आप लोगों के पास है ऑलरेडी। आप इससे रिच हो, तो आप लोगों से निकाली जा रही है बड़े स्पेसिफिक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और आपको पता भी चल रहा है आप लोग क्या समझ रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हो। अगर आप यही अटेंशन अपनी किसी ऐसी चीज पे लगाओ ना, मतलब फॉर एग्जांपल अपने वर्क पे लगाओ, यही अटेंशन आप अपने फ्यूचर के ऊपर, अपनी बेटरमेंट के ऊपर ये अटेंशन खर्च करते हो ना, तो आप 100% आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करके मिलते हैं किसी बिजनेस के ऊपर, सिर्फ अटेंशन से। आपने देखा जितने भी हमारे पास AI टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सब कुछ अवेलेबल है, इस सब के होते हुए बहुत ज्यादा काम ऐसे हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस हैं जो बगैर आप फ्री कर सकते हो। उनमें आपकी कोई मॉनिटरली इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फ्री कर सकते हो। सिर्फ क्या है, आपने अपना टाइम और अटेंशन देनी है। तो अटेंशन, अब बात आती है कि अटेंशन का ये लोग यूज कैसे कर रहे हैं, आपसे अटेंशन निकाल कैसे रहे हैं। आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में आपको ऐसे उन्होंने ऐसे कवर किया हुआ है कि आप मोबाइल में एडिक्टेड हो। किसी छोटे से बच्चे से भी आज मोबाइल ले लो ना, तो वो क्या होता है, उसका हालत क्या होती है, ये आपको पता है, नो ब्रेनर है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। साउथ हॉल वाली स्ट्रीट आने वाली है, हम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। अच्छा, तो नो ब्रेनर है, छोटे से बच्चे से भी मोबाइल ले लो, तो क्यों है ऐसा? उन्होंने आपका ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इतना स्टडी किया और क्यों स्टडी किया? इतना आपको स्टडी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो, मेरे जैसे बंदे को तो घर में कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड पे रोटी मिलती है, तो मुझे उनको स्टडी करने की क्या जरूरत थी? उनको पता था मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो उनको चाहिए। वो क्या है? वो मेरी अटेंशन है, ठीक है।
और मेरी अटेंशन उनको चाहिए थी हर हालत के ऊपर। उसी वजह से उन्होंने मेरा सोशल मीडिया और मेरी जो प्रोफाइल्स थी सबको स्टडी करने के बाद, मेरे बिहेवियर को स्टडी करने के बाद, हर चीज को मेरे हिसाब से टेलर किया। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसको मेरे हिसाब से टेलर किया। तो फिर क्या हुआ, मैं उसमें मुझे पसंद आने लगा। और फिर क्या किया, क्रिएटर्स को, दूसरे क्रिएटर को कहा तुम्हें भी पैसे दूंगा अगर तुम इसके पसंद की चीजें बनाओगे, इसके पसंद की चीजें बनाओगे। उन्होंने क्या किया, मेरे पसंद, और उनको बताना शुरू कर दिया क्या चीज मुझे पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद, मैं क्या लाइक करता हूँ, क्या डिसलाइक करता हूँ, ताकि वो उसी तरीके की चीजें बनाए। तो जब उन्होंने उस तरीके की चीजें और बनाने शुरू, एक सर्कल पैदा हो गया। सर्कल जब पैदा हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो है ना क्रिएटर जो है ना वो अपने फायदे के लिए, वो अपने पैसे के लिए जो है ना वो चीजें बनाते हैं जो मुझे पसंद होती है, और मेरा बिहेवियर मॉनिटर करके कंपनी उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो जो है ना उनसे फायदा उठा सकें, वो कंटेंट बना सकें। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं ज़ॉम्बी बनता जा रहा हूँ, मैं मोबाइल के आगे बैठा हूँ, बस देख रहा हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छा, मुझे मोबाइल पे रख के उनको क्या फायदा होता है? अब उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने मुझे फुली कंट्रोल कर लिया, तो सबसे नो ब्रेनर सिंपल जो चीज है जो एक आम इंसान समझ सकता है वो ये है कि जब उनको पता है एक बंदा एडिक्टेड है, इस बंदे को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बीवी जब कंट्रोल करती है तो क्या करती है, आपको आपसे वो काम करवा लेती है जो उसके फायदे के होते हैं। आप उसके कंट्रोल में आ गए, आपको वो दे रहा है जो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर मजे मजे के कंटेंट दे रहा है, आप इंजॉय करते जा रहे हो। तो जब आप उसके आगे ना पूरे तरीके से कंट्रोल में, ठीक है, मैट्रिक्स इसको कह लें, इसको कुछ भी कह लें, जब इनके पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के फुल तरीके से उनके कंट्रोल में आप जब आ गए हो ना, उसके बाद क्या करना है इन्होंने, अब सेलर है, प्रोडक्ट सेलर है, उनको कहा कि ये बंदा हमारे कंट्रोल में है, इसको ये चीजें पसंद है, इसके सामने उठा के रखोगे तो ये बाय करेगा। सेलर ने उनको कहा ठीक है हमारी प्रमोशन लगाओ तो हम आपको इतने पैसे देंगे, सिंपल हो गया, उधर से इन्होंने पैसे बनाए। ये तो नॉर्मल सर्कल है कि आपको रिटेन करके, आपकी अटेंशन ग्रैब करके आपको एक चीज के ऊपर रखा, क्रिएटर को भी शेयर किया, ये पैसा आता कहाँ से है, एडवर्टाइजर से, जो भी जो है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, उनसे जो भी पैसा आया उसको थोड़ा क्रिएटर को दिया, ठीक है, और बाकी खुद रख लिया। और मैंने प्रोडक्ट बाय की तो मैंने जो पेमेंट पे की वो पेमेंट गई उसको, हालांकि मुझे लगा मैंने तो प्रोडक्ट बाय की है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना शैम्पू बाय किया है या मैंने शर्ट बाय किया है, मैंने तो उसके पैसे पे किए, नहीं, आप उसको फंड कर रहे हो तो वो सारी चीजें बना के मेरे ऊपर यूज करने। अब ये देखा जाए तो ये एक सर्कल बुरा नहीं लगता कि ये बुरा कैसे है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसकी जो डाउन साइड है वो आप ये देखो, अटेंशन, अटेंशन आप किसी भी चीज को दो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ अटेंशन से एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी, नजर के बारे में आपने सुना था कि नेगेटिव एनर्जी होती है, नजर लग जाती है वगैरह वगैरह, वो कैसे लगती थी, ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जब एनर्जी आप दे रहे हो ना सोशल मीडिया को, स्पेसिफिक थिंकिंग को, स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को, तो उस आइडियोलॉजी को ये पूरे जितने हजारों लाखों करोड़ों मोबाइल है ना, ये सारों के जरिए जो है ना वो मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, वो आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो रही है। आप उस आइडियोलॉजी को जो है ना वो स्ट्रेंथन कर रहे हो। जब आप मोबाइल पे देख के एक्नॉलेज करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन सिग्नल्स भेजता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी हर जगह पे आपकी जो सोल होती है वो एलिवेट होती है। जब ये सोल आपकी एलिवेट हो रही है ना, हर जगह पे लोग जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वो चिपके हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, बात यहीं पे रुकता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रीट शुरू हो गई है हमारे साउथ हॉल की फेमस स्ट्रीट, आप हम यहाँ पे हमारे सारे देसी लोग देखेंगे, तो आसपास आपको सारा हमारा देसी माहौल नजर आएगा। तो ये वही स्ट्रीट है जिसमें रिसेंटली पंजाबी एक मूवी है उसमें वो आ रहा होता है स्टूडेंट, वो जो कपिल शर्मा में लड़की बनता था, तो वो इसी स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा होता है टैक्सी में बैठा हुआ, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रीट है। देखिए हमारे देसी लोग, हमारे अपने, उन्होंने वैसा कैसा माहौल बनाया हुआ। तो ये चीज जो है ना साउथ हॉल की मेन स्ट्रीट है, एक दूसरी है दूसरी साइड पे, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, वहाँ पे जो थोड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे ग्रोसरी बाइंग वगैरह वगैरह।
अच्छा जी, तो मेरा जो है ना दूसरा मेरी रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल बंद हो गया, तो चलो आपसे गायबाना बात करते हैं, ठीक है। तो ये है कि जब आपकी अटेंशन उनको जा रही है तो आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आइडियोलॉजी ला किसको रही है, वेरी सून द जाल को ला रही है। तो ये आपकी सारी अटेंशन की जो एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है ना, द जाल की लाने की तैयारी की जा रही है, और हम लोग इससे बेखबर हैं, हम लोग इससे बेखबर हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा मशवरा ये है कि आप लोगों ने ज्यादा अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप लोगों ने अपनी जब भी स्क्रोलिंग किया करो, कुछ किया करो, एंजॉय करो, कंटेंट एंजॉय करने के बाद आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री को जो है ना क्लीन कर देना, ठीक है। और हो सके तो इग्निटो मोड में आप जाके अपनी वो करें, जो भी है अपनी ब्राउजिंग करें, ताकि आपकी जो है ना कुकीज, आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन सेव ना किया जा सकते, और प्रोफाइल बना के यूज ना करें। देखिए गूगल क्रोम ने क्या किया है, प्रोफाइल का इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है, प्रोफाइल लगाओ ताकि उसको आपको मॉनिटर कर सके हर तरीके से कि आप इस प्रोफाइल के ऊपर ये बंदा क्या कर रहा है, वो हर चीज़ आपके डेटा, आपके डेटा सेंटर के ऊपर सेव हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कोशिश करें विदाउट प्रोफाइल के मोस्टली जो है ना काम करें, ओनली जो आपके स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड काम है वो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर करें, बाकी आप डे टू डे लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं विदाउट प्रोफाइल करें, इग्निटो मोड में जाके काम करें। जितना हो सकता है ना अपना रियल इंटरेक्शन, अपनी रियल थिंकिंग को आपने हाइड करना है, ताकि आप जो है ना उस डेवल को पावर ना कर सके, वो डेवल आपकी एनर्जी स्क्वीज ना करे। और 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है ना इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि जो है ना अपनी अटेंशन को उधर से सेव करेंगे, तो आप अटेंशन उन कामों पे ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी जो काम आपके लिए बेनिफिशियल है, और जो काम आपके लिए बेनिफिशियल है जब वो आप करेंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ओवरनाइट चेंज होगी। आप देखेंगे अपनी लाइफ में डिफरेंस कितना आता है। यही इग्निटो मोड में करना शुरू कर दें, अपनी हिस्ट्री, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री ये सारी डिलीट करना शुरू कर दें, तो आपको फौरन ही पता लग जाएगा कि देखो अपनी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं आपके। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप इसमें से कोई मालूमात आप समझते हैं कि आपको कोई फायदे की लगी है, तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर प्रेस कर दें। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपके लिए इससे भी बढ़ के वीडियोस लाएंगे, बेटर से बेटर वीडियोस लाएंगे, आई ओपनिंग लाएंगे। ये सब हमारी अपने एक्सपीरियंस है, ये हमने रियल एक्सपीरियंस किया लाइफ में, इन चीज़ों से गुजरे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कैमरा के ऊपर आपको नहीं बता सकते। और उसमें हमने क्या है कि हम हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में हम आपके साथ डिस्कस करते होते हैं, आई ओपनिंग फैक्ट्स आपको बताते होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई इम्प्रूवमेंट आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप काइंडली हमें बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को, कंटेंट्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को और बेटर से बेटर बना सकें, क्योंकि हमें आपसे प्यार है, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। जो भी इस वीडियो को देखना चाहता है, देख रहा है अभी तक, मुझे तो ये लगता है कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहता है। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।